जब कुछ लोग आए जेल में मुलाकात करने और एक अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी जेल में कोई मुलाकात होती थी और उसके बाद रिहाई होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बाहर मीडिया मौजूद था और तवक्को थी कि अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, अभी एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की विकेट गिरने वाली है। इस विकेट की सारी दुनिया मुंतजर थी और सबके हिसाब से ये तो गिरनी गिरनी थी। जहां था वही है, वो डगमगाया नहीं है और वो अभाम दूर हो गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूं, मैं कमिश्नर रावलपिंडी से जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्ठा साहब यहां सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूं, मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? ना मेरे पास टेलीफोन, ना मेरे पास सोशल मीडिया, ना मेरे पास टेलीविजन स्क्रीन, ना मेरे पास अखबार, ना मेरा किसी से राबता। मेरी तो कैफियत ये थी कि मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी, खाना लेके कोई दोस्त आते थे वापस कर दिया जाता था। एक महीना कमर की तकलीफ के बावजूद चटाई पर रखा गया, कोई बात नहीं। बिजली बंद कर दी जाती थी, गर्मी जून की गर्मी में लोड शेडिंग है, ठीक है भाई, जून की तपती गर्मी में नल का पानी, आप समझ सकते हैं कि जून में नल का पानी कैसा होता है, बाहर रहो, अल्लाह ने साबित कदम रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जस्टिस अब्दुल अजीज साहब का, जिन्होंने एक वाजे हुक्म दिया कि मेरी जो नज़रबंदी थी वो गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी और मुझे रिहा किया जाए। और न सिर्फ रिहा किया जाए, उनके ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब में मुझे कहीं किसी एमपीओ के सेक्शन के तहत गिरफ्तार न किया जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना वाजे ऑर्डर सादर फरमाया। लेकिन मुझे अफसोस जिस बात का है वो ये है, चलिए आपने मुझे गिरफ्तार करना था जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं। 100 साल हो गया मेरे खानदान को अमली सियासत में, आज तक हमारे घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई, आज तक मेरे वालिद मेंबर रहे पार्लियामेंट के, मेरा बेटा मेंबर था पार्लियामेंट का, मैं खुद मेंबर हूं पार्लियामेंट का, मेरे दादा थे मेंबर पार्लियामेंट के, आज तक हमारे दरवाजे नहीं तोड़े गए, आज तक हमारी दहलीज अबूर नहीं की गई, और जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं आपने मुलाजमों पर तशद्दुद किया। उन बेचारों का क्या कसूर था? उनको घर से जाके उठाया, उनका क्या कसूर था? दरकार तो मैं था, मतलूब तो मैं था, वो बेचारे मुलाजिम हैं, उनको चपेड़े मारने की क्या जरूरत थी? मैं ऑनेस्टली पूछता हूं, आप ही तो इस मुल्क के शहरी हैं, आप भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, मैं उन अफसरान से पूछता हूं उसकी जरूरत क्या थी। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मुझे इत्मीनान भी है और फख्र भी है अपनी बेटी पर, जो वकील नहीं है, जिसने 5-5 घंटे जून की गर्मी में मुलाकात के लिए इंतजार किया, 5 घंटे धूप में बैठती थी और फिर मुलाकात की इजाजत मिलती थी और 15-20 मिनट के अंदर कहते थे वक्त मुकम्मल हो गया। अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी जेल में कोई मुलाकात होती थी और उसके बाद रिहाई होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बाहर मीडिया मौजूद था और तवक्को थी कि अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, अभी एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की विकेट गिरने वाली है, इस विकेट की सारी दुनिया मुंतजर थी और सबके हिसाब से ये तो गिरनी गिरनी थी। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी बच्ची को, जो कि खैर सियासी है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसमें अल्लाह ने इतना शऊर दिया कि बाहर जाके, क्योंकि मीडिया तो उस तरफ था, उसने सोशल मीडिया पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया,
कि मेरा बाप साबित कदम है, जहां था वही है, वो टकमगाया नहीं है, और वो अभाम दूर हो गया, और वो क्या सराइयां, वो जो है वो दम तोड़ गई। तो आए मुल्तान के इंतजामिया, आए, मैं चैलेंज करता हूं मीडिया में, मेरे सामने बैठे और बताए जैन का क्या किरदार था, जैन का क्या किरदार था, और आपने जैन को सिला क्या दिया, उस पर दो मुकदमे कर दिए, उस पर दो मुकदमे कर दिए, झूठे मुकदमे कर दिए। ये सिला दिया आपने उसको अमन कायम रखने के लिए और करवाने के लिए, ये जैन का गुनाह था कि उसने कानून और आईन और तहफ्फुज किया चादर चार दीवारी का, सरकारी और निजी इमलाक के तहफ्फुज के लिए आवाज बुलंद की, और आज वो दरबदर है, एक महीने से ज्यादा हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं घर गया तो बच्चियां मुझे कहती हैं, मेरी पोतियां, दादा बाबा कहाँ हैं? मैं उनको क्या बताऊं, एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 2 साल है, मैं क्या दादा क्या बताए कि बाप कहाँ है और क्यों है अंदर, उसका गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है। बाहर नौ वक्त है, गुजर जाएगा, रात है कट जाएगी, लेकिन मेरी गुजारिश है, हजारों की तादाद में लोग मुलविस नहीं है 9 मई में, जो बेकसूर हैं। और अब तो हाईकोर्ट की जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आपने शनाख्त परेड करवानी है तो कराइए, 48 घंटों में करवाइए, 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे रह गए, करवा लीजिए, जो बेकसूर हैं उनको तो रिहा कीजिए, जो जो गुनहगार हैं अपनी सफाई देंगे, सिंपल है। और आप खुद कह चुके हैं कि किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं डाला जाएगा, अगर बेगुनाहों पर हाथ नहीं डालना तो फिर उनको आज़ाद कीजिए, किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का पेट्रोल पंप बंद है, किसी का कारोबार बंद है और तकलीफ में है लोग, उनकी फैमिलीज परेशान हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी, और मैं शुक्रगुजार हूँ वकला का, बिरादरी का, ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने, हमारे काले कोट के इन साथियों ने हमारा दिफा किया, और जमानतों में ख़ास तौर पे मुल्तान की टीम का मैं रिकग्नाइज करूँगा, इन्होंने जिस तरह कारकुनों की रिहाई का बंदोबस्त किया और कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए साफ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी इंशाल्लाह इस जमानत के बाद शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मदीनतुल औलिया है मुल्तान, मैं उनके अस्ताने पे जाऊंगा, हजरत शाहरुखुद्दीन आलम कुतुबुल अख्ताब के अस्ताने पे जाऊंगा, उनकी निस्बत की वजह है कि मैं सांस ले रहा हूँ, बीवी पाक दाम के अस्ताने पर जाऊंगा हाजिरी के लिए, फूलों की चादर चढ़ाने के लिए, और कल इंशाल्लाह मैं मुल्तान के जितने बड़े आस्थाने हैं, चाहे जनाब गजाली जमा का आस्थाना है, चाहे वो मौलाना अहमद अली खान का आस्थाना है, चाहे चादर वाली सरकार का आस्थाना है, चाहे हाफिज जमाल की दरगाह है, चाहे हजरत शाह शम्स तबरेज का आस्थाना है, चाहे मूसा पाक शहीद का आस्थाना है, मैं कल इंशाल्लाह वहाँ हाजिरी के लिए जाऊँगा और वहाँ फूलों की चादर चढ़ाऊँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला एक कड़ा इम्तहान है, इसमें सरगुरु फरमा दें, कमज़ोर से इंसान हैं, हौसला अता फरमा दें। शुक्रिया। मैं कह चुका, मैंने कह दिया, समझने वाले समझ गए, और इंशाल्लाह अब मेरी बेलें हो गई हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मजीद मुलाकात और बात होगी। थैंक यू।